ही गाइज, माई नेम इज़ वानी एंड फैशन ट्रैवलर्स चैनल में आपका फिर से वेलकम है। तो क्या आप भी ठंडियों में साड़ी को अपने कॉमन ब्लाउज के साथ वियर कर रहे हो? बिल्कुल भी ये गलती भूल कर भी मत करना, वरना ठंडियों में आप बीमार पड़ जाओगे और फैशन आपका धरा का धरा रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैंने जैसे अपने ब्लाउज को रिप्लेस किया है एक कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ, सॉरी टॉप के साथ, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आपकी साड़ी से कोई मैच करता हुआ टॉप आप ले सकते हो अपनी साड़ी में पहनने के लिए, जैसा कि मैंने किया है, और उसको एक मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देने के लिए मैंने ये साड़ी ड्रेप आप लोगों के सामने वियर किया है। तो आप लोग चाहो तो अपनी साड़ी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और मॉडर्न लुक दे सकते हो इस तरीके से। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो, मैंने साड़ी को वन राउंड टक कर लिया है और इसमें आपने देखा होगा मैंने अभी ब्लाउज भी कट नहीं किया है, क्योंकि मुझे साड़ी की लेंथ थोड़ी ज़्यादा चाहिए रहती है और इसी वजह से मैंने अभी ब्लाउज नहीं कट किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने पल्लू भी पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है। मैंने पल्लू बनाने के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहो तो क्लिक करके देख सकते हो कि पल्लू कैसे बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर पल्लू मैंने सीधा पल्लू स्टाइल में रखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अपनी कमर वाली प्लीट्स बनाऊंगी। आप देख पा रहे हो मैं इतना लूज़ करना चाहती हूँ, जो कि मैं साड़ी को एक मॉडर्न टच देना चाहती हूँ इसलिए। तो थोड़ा सा इस तरीके से अपनी कमर के नीचे तक मैंने पल्लू को लूज़ छोड़ा है और फिर यहाँ पर मैं चौड़ी चौड़ी सी प्लीट्स क्रिएट कर ले रही हूँ सामने वाली साड़ी की फैब्रिक से। इस तरीके से आपकी थंब और दो फिंगर्स की मदद से आपको इस तरीके से प्लीट्स क्रिएट कर लेनी है। बहुत ही ईजी है, बहुत बार मैंने बताया है। जितनी भी प्लीट्स आपकी बनेंगी सब में हाफ हाफ इंच आपको गैप छोड़ना है, इससे आपकी प्लीट्स एकदम खिली खिली सी अच्छी सी दिखेंगी। तो यहाँ पर एक बड़ी सी सेफ्टी पिन लेकर सारी प्लीट्स को सिक्योर कर लेना है। ओके, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जस्ट अपने बेली बटन के नीचे ही टक कर लिया है साड़ी को, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। बहुत ही ईजी है और ये लुक आपको साड़ी में थोड़ा सा मॉडर्न और स्टाइलिश भी दिखा सकती है। आप चाहो तो साड़ी जितना भी हमारा फॉल आ रहा है यहाँ पर साड़ी का, उसको इसी तरीके से छोड़ सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा लुक देता है आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस तरीके से आप अपने पल्लू को वियर कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने पल्लू में एकदम लास्ट में पिन लगाई हुई है, आप उसको खोल सकते हो, ओपन रख सकते हो, तो एक और स्टाइल आपका बन जाएगा। बट यहाँ पर मैंने इसी तरीके से इसको वियर किया है, आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये जो हमारी बॉर्डर है ना, इसको आप चाहो तो अपनी कमर में पीछे तक टक भी कर सकते हो, तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी एक अच्छा लुक दे रहा है आपको। सॉरी, इस तरीके से आप वियर कर सकते हो। आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से काउल आए हैं हमारी साड़ी में पीछे से। तो इस तरीके से आप अपनी साड़ी को मॉडर्न लुक दे सकते हो। सेकंड में आपको बताऊंगी, अगर आपको सीधा पल्ला नहीं पहनना है तो आप अपनी साड़ी को उल्टे पल्ले में पहन सकते हो, जो कि नॉर्मली हम सारी साड़ियाँ इसी तरीके से पहनते हैं। बट यहाँ पर मैंने अपने बस्ट एरिया पे साड़ी को नहीं चढ़ाया हुआ है, बहुत सारी लेडीज़ बहुत चढ़ाकर पहनती हैं तो वो कॉमन लगता है डेली वेयर जैसा, बट कभी कभी आप अपनी साड़ी को इस तरीके से पहनिए, बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है। ठंडियों में आप चाहो तो और भी ज़्यादा वार्म रहने के लिए अंदर से आप अपने पेटीकोट के अंदर कोई वार्म लेगिंग्स पहन सकते हो, ठीक है। ठंडियों में आप चाहो तो कोई भी वार्म अंदर से कुछ भी पहन लीजिए और टॉप पहन लीजिए तो दिखता भी नहीं है, और इस तरीके से अपनी साड़ी को स्टाइल कर सकते हो। यहाँ आप देख पा रहे हो मैंने ये फ्लिपकार्ट से ज्वेलरी ली थी, तो काफ़ी अच्छी लग रही है, चोकर टाइप की है, पूरा गोल्ड फिनिश दिया हुआ है, मुझे ये ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आप चाहो तो किसी भी विंटर वेडिंग के लिए स्टाइलिंग करने जा रहे हो, या फिर यहाँ पर आप एक फुल पूरा विंटर वेडिंग लुक क्रिएट कर सकते हो। ये जो मैंने फ्लिपकार्ट से ज्वेलरी ली है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख पा रहे हो पूरा गोल्ड फिनिश में है ये, तो काफ़ी अच्छी लग रही है, एकदम रियल लग रही है ये ज्वेलरी। तो आप ये चोकर परचेस करना चाहते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
यहाँ पर मैंने अपने हेयर ओपन रखे हैं क्योंकि ठंडियों में आप अपने हेयर्स ओपन रखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा और वार्म रखेंगे, आपके कानों में बिल्कुल भी ठंडी हवाएं नहीं जाएंगी तो आप पूरे अच्छे तरीके से बचे रहेंगे और थोड़ा स्टाइलिश भी दिखेंगे। तो आप देख पा रहे हो ये लुक पूरा कम्प्लीट हो चुका है एंड ये रहा फाइनल लुक। तो इस तरीके से आप अपनी साड़ियों को वियर कर सकते हो। आप अपने फुट वियर भी बंद ही रखिए, लाइक मोजरी वगैरह पहनिए, थोड़े जो पॉइंटेड हील होते हैं वो पहनिए, तो उससे काफ़ी हद तक आपको ठंडी से बचाव भी मिलेगा और आप स्टाइलिश भी दिखोगे। तो सो आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल पे नए हो तो, और इंस्टा और मौज पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।